क्लास देखो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू इज सेबी एंड कंपनी लॉ। लेकिन आगे आपको 1.5 ईयर्स डाउन द लाइन वंस यू बिकम सीएस, जो सबसे ज्यादा काम आने वाला, 1-1.5 साल बाद जब आप सीएस बन जाओगे तो जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट काम आएगा आपको फॉर फंक्शनिंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी वो होगा कंपनी लॉ। एंड वंस यू गो टू द लिस्टेड साइड विल बिकम द सेबी। कंपनी लॉ के बारे में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता है फाउंडेशन का, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। मैं जब भी सर पढ़ाता हूँ ना किसी भी लेवल पे, वेदर आई टीच प्रोफेशनल, वेदर आई टीच सी ए फाइनल, आई ऑलवेज प्रिज्यूम कि सामने जो बैठे हैं ना वो एकदम बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ नहीं आता। एंड दैट्स वेयर आई नीड टू ट्रीट। ठीक है, ये दे कैन बी माई अजम्पशन कैन बी रॉन्ग, बट आई वुड लव टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग। समझा? चलिए, कंपनी लॉ में, जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो ओनली 34 चैप्टर्स हैं ओनली, बस ज्यादा नहीं है। और सिर्फ 800 पेज की बुक है आपकी, 800-900 सिर्फ। आप लोग को जो ये अच्छा काम किया है, आप लोग एक मेरे लिए एक सेपरेट बुक बना लीजिएगा, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग, व्हाट आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज दैट कंपनी लॉ मेरे साथ ही चलिएगा, बिकॉज जनरल लॉ इवन दो इट इज फॉर अ वैल्यू ऑफ 30 मार्क्स, तो जनरल लॉ में आपने अगर चार चैप्टर इज्जत से पकड़ लिए, चार पांच चैप्टर, तो आपका नया पार लग जाएगी। बट कंपनी लॉ इज समथिंग वट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपके पेपर में अराउंड 65 मार्क्स टू 70 मार्क्स का केस लॉज आता है, मतलब जिसमें अगर आपने रट्टा मार के गए ना तो इज्जत का फालूदा होना ही है। तो आपको केस लॉज आना चाहिए, केस लॉज कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए। सो आफ्टर एवरी चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस केस लॉज, आफ्टर एवरी चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द पास्ट क्वेश्चन। समझ रहे हैं? तो मेरे को, और अनलाइक जनरल लॉ जिसमें मैं आपको बोलता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा चैप्टर खत्म होगा उसका नेक्स्ट लेक्चर में काम हो जाएगा। सो आई नीड यू टू बी एट पार विद मी इन दिस सब्जेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका 90+ भी आता है और 1 डिजिट में भी आता है स्कोर, मतलब 6-7 मार्क्स भी आते हैं, 2 मार्क भी आता है और 91-92 भी आता है। इट इज ओनली अप टू यू हाउ यू राइट आंसर। मैं सब कुछ सिखा दूंगा बट आपके अंदर बस सीखते जाओ और साथ में पढ़ते जाना। जब तक आपका प्रिंटेड नोट्स नहीं आ रहा है, योर प्रिंटेड नोट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बट जब तक नहीं आ रहा है तब तक आपको मॉड्यूल कैरी करना है। वंस यू गेट द प्रिंटेड नोट्स नो नीड टू कैरी द मॉड्यूल। आपका प्रिंटेड नोट जो है वो इनलाइन ऑफ मॉड्यूल है। इनलाइन ऑफ मॉड्यूल मतलब जो भी मॉड्यूल का अनरिलेवेंट क्वेश्चन वो निकाल दिया है, बाकी पूरा रखा हुआ है, प्लस उसमें केस लॉज एंड ऑल दैट है। तो कैन यू सर्च? ओके, आपको कितनों को सेक्शंस याद नहीं होते? याद नहीं होते, चलो पूरी क्लास ही है। तो आज से हम लोग सेक्शंस याद करना चालू करेंगे। एंड आफ्टर एवरी लेक्चर विल नोट सर्टेन सेक्शंस। आप एक सेपरेट पेज, चाहे आप जो क्लास नोट बना रहे हो उसके लास्ट में लिख लो, जैसे भी करना है आपको सेपरेट सेक्शंस लिखने हैं। और हर लेक्चर में हम लोग लास्ट 5 मिनट चिल्ला चिल्ला के सेक्शंस याद रखेंगे। पूरे गांव को मालूम पड़ना चाहिए वो सेक्शन याद हो गए हैं। ठीक है, तो चालू करें। चलिए, वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर, इफ यू ऑल परमिट आई कैन कंप्लीट इन टुडेज लेक्चर इटसेल्फ। तो छोटे छोटे चैप्टर हैं। आपकी जो टोटल मॉड नोट्स है ना वो अराउंड 300 पेज की बुक है आपकी, टोटल बस 300-350 पेज की है, 34 चैप्टर। तो आई थिंक इतना तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं कम से कम। और बाकी जो क्लास नोट पढ़ाऊंगा वो फर्स्ट, पहले क्लास नोट पढ़ने का फिर प्रिंटर नोट्स में हाथ डालने का। ठीक है, चलिए। ओके, वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज कंपनी? सो नाउ कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 1913। ओके, सो यहाँ पे मेजोरिटी फाउंडेशन पास आउट है आई बिलीव, फ्यू रैंकर्स ऑल्सो देयर, दिस रियली गुड टू सी। तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज कंपनी?
ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, एक एक करके आई वॉन्ट टू सी वट एग्जैक्टली यू नो. हाँ जी सर. प्रीवियस लॉ. ओके. और एनी वन वट इज कंपनी. हाँ जी सर. हाँ. रैंकर. बोल दिया. वट इज कंपनी मैडम, क्या होता है? नो. कंपनीज कंपनी डिफाइन सेक्शन 2 से सेक्शन 21 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? इधर व्हाट इज कंपनी. अगर आप आंसर ये दे रहे हो, अरे कम आउट फ्रॉम दैट फियर फैक्टर यार, आंसर दो. डू आई टेल यू यहाँ पे ना कितनों को स्टेज फियर है? बस तब आप तैयारी कर लीजिए. आप लोग यहाँ आना पड़ता है, कई बार केस लॉ सॉल्व करना पड़ता है, गाना वाना गाना पड़ता है, तैयारी करिए आप लोग, ठीक है? हाँ गाना भी आज ही गवा दूंगा ना, तो नेक्स्ट सेक्शन. किसकी वॉइस अच्छी है? चलो वेरी गुड. तो गाना वाना भी गवाएंगे हम लोग. जितनी नौटंकी आप सोच सकते हो सब होने वाली है अब, ठीक है? चलिए स्टार्ट नाउ. हाँ चलो, तो वेलकम टू कंपनी लॉ, स्टार्ट करते हैं. देखिए, लेकिन जब मैं समझाऊं चुपचाप सुनना. देखो, कंपनी में अगर आप कंपनी के लिए ये बोलते हो, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज कंपनी, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज कंपनी, और कंपनी में अगर कोई आपको ये बोलता है, इफ यू आर इंटेंट टू गिव एन आंसर दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, हैविंग अ कॉमन सील, परपेचुअल सोसाइटी, सब रॉन्ग है. अगर आपने फाउंडेशन में आंसर दिया तो आई वुड हैव सेड वेरी गुड यार, वेरी गुड. बट एग्जीक्यूटिव में व्हेन इन द 1.5 ईयर यू बी इन द इंडस्ट्री, दिस इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग फॉर द फीचर्स ऑफ कंपनी. व्हाट आई एम एग्जैक्टली आस्किंग फॉर द मीनिंग ऑफ कंपनी. हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, दीज आर नथिंग बट द फीचर्स ऑफ कंपनी. तो देखो है क्या, व्हाट इज कंपनी. कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 13, व्हिच सेज दैट इट इज एन एंटिटी. रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 13 और एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनी इन इंडिया. इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक एंटिटी कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है अंडर 13 एक्ट, देन व्हाट यू आर अ कंपनी. अगर एक एंटिटी 13 एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन 13 एक्ट से पहले जो एक्ट था विच इज रिलेटिंग टू कंपनी इन इंडिया, इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर दैट, देन अगेन यू आर अ कंपनी. तो क्वेश्चन अराइज कि क्या 13 एक्ट से पहले, 2013 एक्ट से पहले हमारे पास कंपनी से रिलेटेड कोई एक्ट था? वी हैव 1956 एक्ट. अच्छा, 1956 से पहले कोई एक्ट था? यस, वी हैव इंडियन कंपनीज एक्ट 1913. क्या 1913 एक्ट से पहले कोई एक्ट था? यस, वी हैव 1885 एक्ट. क्या उससे पहले एक्ट था? यस, 1856 एक्ट. मतलब हमने ऐसा नहीं कि पहली बार कंपनी लॉ बनाया है, पहले भी कंपनी दैट बन चुके हैं. इसका मतलब अगर मैं एक कंपनी हूं, मेरा नाम है टाटा सन्स, अभिषेक नहीं बेवकूफ. मेरा नाम है टाटा सन्स. इफ आई बीइंग एन एंटिटी व्हिच हैव बीन रजिस्टर्ड 150 ईयर्स अगो, 150 ईयर्स बैक, देन एट दैट टाइम देर वॉज नो 56 एक्ट, देर वॉज नो 13 एक्ट. लेकिन उस समय के एक्ट के हिसाब से अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, देन आई एम नथिंग बट अ कंपनी. सो कंपनी मीन्स एनी एंटिटी रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 13 और एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनी इन इंडिया. ये समझा? अब देखो, अब अगर मैं यहां पे फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करूं, तो कंपनी के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं. पहला है कॉरपोरेट पर्सनैलिटी. देखो, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी में 3 पॉइंट याद रखना.
पहला पॉइंट, अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स फॉर्मिंग सच कंपनी, मतलब कंपनी एंजॉयज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सेकेंड, अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो बी द क्रिएटर ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी का मेंबर है वही बंदा कंपनी का क्रिएटर बन सकता है. तीसरा, इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर कंपनी द एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर इज द एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी. मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट समझो कि कंपनी और जो बंदे उसको फॉर्म करते हैं वो अलग हैं, ठीक है. दूसरा, जो बंदा कंपनी का मेंबर है वो बंदा कंपनी का क्रेडिटर हो सकता है. अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं उसमें पहला केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. अब देखो ये है क्या, इसमें एक बंदा था जिसका नाम था सोलोमन. उसने क्या किया, अब आप वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उसका शू मेकर था, उसका लेदर बिजनेस था, जो भी था अगर इसका, तो यहाँ पे ही वॉज इन अ लेदर बिजनेस में था. अब सोलोमन जो है उसने एक कंपनी खोला जिसका नाम था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. ये फाउंडेशन में आपका था, बट माय पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी बैचेस सेज कि बच्चों को केस याद नहीं रहता. तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो अभी सुन लो. ये पहला चैप्टर ऐसा होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिपीटेशन दिखेगा जो आपने फाउंडेशन पढ़ा था, बट सेकेंड से तो सब कुछ नया ही चालू हो जाता है, ठीक है. अब देखो तो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने, इस सोलोमन ने क्या किया, ही व्हाट ही हैज डन, ही सोल्ड हिज लेदर बिजनेस टू द कंपनी, और कंपनी ने इसको परचेज कंसेशन पे किया विच इज इक्वल टू 38,000 पाउंड. मैं नंबर एक्यूरेसी में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है. इट वॉज 38,000 समथिंग पाउंड था, जो भी है. अब यहाँ पे ये सोलोमन कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर जो था वो सोलोमन ही था. इस कंपनी के अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोलोमन फैमिली थे, समझ रहे हैं. और इस कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो थे सोलोमन, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स, उसके चिल्ड्रन, जो भी, मतलब बेसिकली 100% कैपिटल वेस्ट विथ सोलोमन एंड फैमिली. क्लियर. अब कंपनी ने उसको परचेज कंसेशन दिया 38,000 पाउंड, और यहां पे जो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसेशन था वो कुछ ऐसा था कि 38,000 पाउंड जो है ये बेसिकली सोलोमन को तीन तरीके से दिया गया था. पहला, उसको इशू 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 1 GBP, मतलब 1 GBP का उसको पेमेंट किया गया, इट इज इक्वेलेंट टू, ये कितना हो गया, 20,000 पाउंड हो गया. सेकेंड, इशूड सिक्योर्ड डिवेंचर कितने का, 10,000 पाउंड. एंड तीसरा, उसको कैश दिया गया 8,000 पाउंड, समझ रहे हैं. इस तरीके से उसको पेमेंट कर दिया गया. अब कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा था. अब अच्छे दिन आए, बुरे दिन भी आते ही हैं, लाइफ इज लाइक ए साइकिल. तो यहाँ पे कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, एंड यहाँ पे कंपनी का एसेट बिकेम लेस देन कंपनी का लाइबिलिटी, समझा. एसेट बचा था सिर्फ 10,000 पाउंड एंड लाइबिलिटी बचा था 20,000 पाउंड. अब ये जो 20,000 की लायबिलिटी थी ये दो पार्ट में थी. एक था 10,000 पाउंड विच इज ऑफ सिक्योर डिबेंचर,
तो डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। सो ये किसके पास था? सोलोमन के पास। बाकी 10,000 पाउंड जो था वो था अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये समझा? अब देखो, तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट सोलोमन जो है उसने, ये पूरी कहानी समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये आया कि ये जो 10,000 एसेट जो है, 10,000 पाउंड, उसका पेमेंट किसको किया जाए, सोलोमन को या अदर क्रिएटर्स को? नाउ लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि द पेमेंट शुड बी मेड टू अदर क्रिएटर। व्हाई? बिकॉज दे सेड कि यहाँ पे कंपनी चला कौन रहा है? सोलोमन। तो आज अगर कंपनी लॉस में आई तो किसकी वजह से आई? सोलोमन के। अगर आप जो पैसा बचा है अगर आप वो भी सोलोमन को ही दे दोगे तो डोंट यू थिंक इट इज अमाउंटिंग टू अवॉर्डिंग अ इनएफिशिएंट पर्सन? तो यहाँ पे डिसीजन दिया गया कि पैसा 10,000 पाउंड अदर क्रिएटर को मिलना चाहिए। बट द मैटर बीइंग टेकन टू द हायर कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जिसको इंग्लैंड में बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, मतलब प्रिवी काउंसिल। एंड प्रिवी काउंसिल ने बोला कि ये जो लाइबिलिटी है ना, ये कंपनी की लाइबिलिटी है। द सिक्योर्ड क्रेडिटर जो लाइबिलिटी है वो कंपनी की है, और इन द पेमेंट प्रायोरिटी पहले पैसा सिक्योर्ड के पास जाना चाहिए, बाद में सिक्योर्ड के पास जाना चाहिए। तो चाहे वो पैसा मेंबर का ही है, चाहे वो मेंबर ही है, तो भी पैसा किसको दिया जाएगा? सिक्योर्ड को, एंड नॉट टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बिकॉज व्हाट दे हैव कंक्लूडेड दैट कंपनी इज डिफरेंट एंड द मेंबर्स फॉर्मिंग द कंपनी इज डिफरेंट। ये समझा? अब इसमें फर्दर क्या बोला गया, दैट्स फॉर वन केस व्हिच मींस दैट अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन आल्सो बी द क्रिएटर ऑफ द कंपनी। सेकेंड केस है, सेकेंड केस का नाम है ली वर्सेस वेरी सिमिलर केस। नाउ ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में क्या हुआ था कि एक बंदा था ली, वो बेसिकली पायलट था, और एक दिन और उसने कंपनी खोला जिसका नाम रखा ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर वही था। ली एयर फार्मिंग लिमिटेड की एंटायर कैपिटल ली और उसकी फैमिली के पास पड़ी थी। अब एक दिन ली प्लेन लेके निकला कोरियर सर्विसेज के लिए, और रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो गया और मर गया। जब वो मर गया तो उसकी वाइफ ने कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम किया, बिकॉज अगर एक एम्प्लॉय की डेथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो ली की विडो ने कॉम्पनसेशन क्लेम किया। तो कंपनी के बाकी स्टेक होल्डर ने बोला कि भाई कंपनी और ली तो एक ही थे ना, तो फिर किस चीज का कॉम्पनसेशन? द एम्प्लॉय एम्प्लॉय वॉज सेम, बट द कोर्ट सेड नो, ली वॉज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ही इज लाइक ए एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो अगर किसी और एम्प्लॉय की डेथ होती तो कंपनी कॉम्पनसेशन देता, तो यहां पे भी कंपनी को कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी इज डिफरेंट एंड द मेंबर्स फॉर्मिंग द कंपनी इज डिफरेंट। समझा? ओके, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट सेज दैट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी द एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर इज द एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि मान लो आज अपने लोग को एक रेडियो कंपनी के लिए बिडिंग करना है, एज्यूम करते हैं, ठीक है ना? रेडियो अभी आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो। रेडियो पहले ना सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के पास था, विविध भारती, दैट वाज द ओनली रेडियो स्टेशन व्हिच वी हैव। सब्सिक्वेंटली 2000-2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेडियो सेक्टर को प्राइवेटाइज करने का सोचा, और उन्होंने रेडियो सेक्टर को फेज वाइज ओपन किया। तो फेज वन आया, फिर फेज टू आया, और अभी फेज थ्री आने वाला है। फेज वन में क्या था कि आप सिर्फ एक ही सेंटर खोल सकते थे। फेज टू क्या था कि आप एक फ्रिक्वेंसी लेके इंडिया में कहीं भी खोल सकते हो रेडियो सेंटर, लेकिन आप उसमें न्यूज ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, और आप इंग्लिश और हिंदी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लैंग्वेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और वो फ्रिक्वेंसी सिर्फ उसी पे काम करेगी, मल्टीपल लैंग्वेज पे काम नहीं करेगी। फेज थ्री जो आने वाला है विच सेज दैट न्यूज ब्रॉडकास्ट भी अलाउ हो जाएगा, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी भी अलाउ हो जाएगी। अब अगर आज हम लोग को रेडियो सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में एक एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन ये बोलता है कि जो एप्लीकेंट है उसके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, और उसके पास ऐसे स्किलफुल रिसोर्स होने चाहिए जो इस बिजनेस को कर सके। मान लेते हैं
आपके पास वो टेक्निकल स्किल है, मेरे पास वो फाइनेंशियल स्किल है, हम दोनों ने मिल के एक कंपनी खोला जिसमें हम दोनों कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो ये जो जॉइंट वेंचर है क्या इसके पास फाइनेंशियल स्किल है? यस, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर वन। और क्या इसके पास टेक्निकल स्किल है? यस, इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर टू। तो ये जो नई कंपनी है, इवन दो इट इज अ न्यू कंपनी, बट इसके पास वो सारे एक्सपीरियंस है। तो वहां पे जॉइंट वेंचर कंपनी में द एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर इज द एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। समझा? तो यहां पे जो केस है उसका नाम है न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड। ये समझा? पक्का? सो दैट इज अ फर्स्ट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्लियर? अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है। सेकेंड पॉइंट बोलता है परपीचुअल सक्सेशन। नाउ व्हाट इज परपीचुअल सक्सेशन? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। इसमें एक ही पॉइंट है, व्हाट इज सेज दैट कंपनी विल विल एंजॉय अ परपीचुअल सक्सेशन, व्हिच मींस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंबर विल नॉट डिसाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। मतलब इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी डाइज स्टिल द कंपनी सर्वाइव। समझा? मान लो मुकेश अंबानी अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे शेयर होल्डर्स को बुलाए बॉम्बे में, उनको बोले चलो हम लोग लोनावला घूमने चलेंगे। लोनावला गए आप लोग? रास्ता ऐसे 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 घूमो थे, पहाड़ों पर रास्ता है। अब मुकेश अंबानी ने सारे शेयर होल्डर को ट्रक में डाल दिया और ट्रक खुद मुकेश अंबानी चला रहा है, ठीक है? वो ट्रक चला रहा है, एक मोड़ आया, मुकेश अंबानी निकला गड्डी लेके, और गड्डी लेके निकला और एक मोड़ आया और गड्डी घूमी ही नहीं और गड्डी नीचे गिर गई और सारे शेयर होल्डर मर गए, तो क्या कंपनी खत्म? नहीं। अगर आज एक जनरल मीटिंग हो रही है जहां पे कंपनी के सारे शेयर होल्डर हैं और वहां पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जावे, एलसीबी ग्रोवर ने बोला था कि अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब भी फट जाए और सारे शेयर होल्डर मर जाए, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं। व्हाई? बिकॉज द कंपनी एंजॉयज अ परपेचुअल सक्सेशन। समझ रहे हैं? तीसरा, थर्ड बोलता है सेपरेट प्रॉपर्टी। देखो इसमें दो पॉइंट हैं, अभी पॉइंट क्या है मैं लिखवा दूंगा, पहले सुन लो। व्हाट इज सेपरेट प्रॉपर्टी? कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, उसके मेंबर्स की नहीं होती। तो अगर मेंबर, मान लो मेरे मैंने रिलायंस पे 20,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और मेरे को अभी घर में एसी खरीदना है, तो मैं क्या रिलायंस का एसी उखाड़ के ला सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कंपनी की है, वो इंडियन रेलवे नहीं है। रेलवे में क्या लिखा होता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, और लोग क्या करते हैं अपनी संपत्ति का पोषण ले आते हैं। आप लोग रेलवे में कभी ऐसा कुछ चोरी वोरी किए हो? कुछ नहीं किया। हाँ मैंने किया है ना। मैं दोस्त, आप जब एसी, बता रहे क्या चोरी की था? आई वॉज इन हॉस्टल, जब मैं बॉम्बे आया था ना, आई स्टे इन हॉस्टल। तो हॉस्टल में ना मेरे को पिलो खरीदना था। अब हॉस्टल में तो हम लोग को एक रूम मिल जाता था, तो ये तो बहुत बड़ा रूम है एक्चुअली, इतना बड़ा रूम नहीं मिलता था। तब एक अराउंड यहाँ तक का, इतना बड़ा है यहाँ तक, 5 सीट पकड़ लो वहाँ से लेके यहाँ तक, इतना बड़ा रूम मिलता था। हम लोग उसमें 3 लड़के रहते थे। अब वो पिलो खरीदना था मेरे को, और ट्रेन से मैं आई वॉज कमिंग टू बॉम्बे। अब एसी में ना लोग ना, आप एसी कंपार्टमेंट देखो तो लोग सोते ही रहते हैं, नींद की गोली खा के सब एंट्री करते हैं और पूरे रास्ते सोते ही रहते हैं। अब उसका ना पिलो बड़ा मजेदार था, तो मैंने क्या किया, मेरे को ना वीटी उतरना था, तो मैंने क्या किया, पिलो उठाया, उसको एयर बैग में डाला और दादर उतर गया, ठीक है? क्योंकि लिखा था रेलवे आपकी संपत्ति है, और मैंने अपना शेयर ले लिया। तो क्या मैं कंपनी में ऐसा कर सकता हूँ? समझ रहा है? आपको पता ना ट्रैफिक रूल्स एंड ऑल दैट, गवर्नमेंट को जो पैसा पे करते हैं वो हमारा ही तो पैसा है, तो आप उसमें से शेयर ले सकते हो। तो क्या कंपनी में ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, वो उस मेंबर्स की नहीं है। सेकेंड थिंग, क्या मेंबर के पास इंश्योरेबल राइट है? व्हाट इज इंश्योरेबल राइट? नो। व्हाट इज इंश्योरेबल राइट? मान लो मुकेश अंबानी अपने सारे ऑफिसेस का इंश्योरेंस करा ले, ठीक है, एक्सपेंस आरआईएल की बुक से निकले, और मुकेश अंबानी कंपनीज को बोले कि कल की तारीख में अगर मान लो कुछ आग वाग लग गई, कुछ कंटिजेंसी हो गई और डैमेज हुआ, तो कॉम्पनसेशन उसको मिले, न कि कंपनी को। हो सकता है
अगर एक्सपेंस आरआईएल से निकल रहा है तो पैसा रिडम्पशन अमाउंट भी आरआईएल को ही मिलेगा, विच मीन्स दैट अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन नॉट हैव इंश्योरेबल राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये समझा? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट। एक काम करो ना, पहले इतना फटाफट लिखो, ये लिखा है इतना, ये फंस जाना। अच्छा केस वेस मत लिखना, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं पॉइंट बताता हूँ, फटाफट करो। वी विल लेक्चर टिल 5:15 टुडे। अगर आज आप लोग इज्जत से काम करो तो यही चैप्टर आज ही सलट जाएगा। इस चैप्टर में गिन के चार टॉपिक हैं बस, एक फीचर्स, एक इलीगल एसोसिएशन, एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, समझ रहे हैं? ये तीन, और तीसरा है कंपनी सिटीजन पर्सन एंड नेशनलिटी। बस इतना बड़ा चैप्टर है, चालू करें। चालू करें। ये लिख लिया डेफिनेशन, जल्दी लिखो। चलिए चलिए, लिखे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी फर्स्ट पॉइंट। अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यस सर, गो। कंपनी इज डिफरेंट, अरे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी पहला पॉइंट लिखो। अ कंपनी इज डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स फॉर्मिंग सच कंपनी। फ्रॉम द मेंबर्स फॉर्मिंग सच कंपनी। अच्छा आप लोग कंपनी लॉ की बुक ना जो मेंटेन करना वो एकदम सीक्वेंस से प्रॉपरली मेंटेन करना, बस आप पेपर के एक दिन पहले ना सिर्फ यही रिवाइज कर पाओगे 100%। आप 900 पेज का मॉड्यूल नहीं पढ़ पाएंगे, 350 पेज का प्रिंटेड नोट्स भी नहीं पढ़ पाओगे, आप पेपर के एक दिन पहले आप यही पढ़ पाओगे, समझा? तो ये पूरा देख लेना, इसमें सब कुछ कवर कर लेंगे। एंड देन आपको मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर लॉट वाइज दूंगा, लॉट वन, लॉट टू, लॉट थ्री, तो हम लोग करेंगे। वी हैव सो मच थिंग्स टू डू, ठीक है? चलिए, क्या लिखा? अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स फॉर्मिंग सच कंपनी। सेकेंड पॉइंट, अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो बी इट्स क्रेडिटर। कैन ऑल्सो बी इट्स क्रेडिटर। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी, इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, द एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर, द एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर इज द एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी।
रख लिया पक्का? ये तीन का केस का नाम लिख देना, कौन कौन सा केस है? ली वर्सेस ली ए फार्मिंग, सोलोमन एंड न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड। डन। हाँ, समी आस्किंग समथिंग, प्लीज प्लीज। द एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर। देखो, मैंने और आपने मिलके एक कंपनी खोला, ठीक है? यू आर हैविंग अ डिफरेंट एक्सपर्टीज, तो इसमें ये केस जो था वही सिखा देता हूँ, ठीक है? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझ में आ गया, रेडियो कंपनी वाला। अब दूसरा एग्जांपल समझो। ये जो केस है ना, न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस का सबका मॉड्यूल है, निकालिए मॉड्यूल। पेज नंबर, पेज नंबर 4 पे आइए। द केस गिवन न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड, मिला। रीड करो ये केस, समझ में नहीं आएगा, इसकी ग्रेट प्रोबेबिलिटी है तो भी रीड करो। न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड, रीड फास्ट। थोड़ा फास्ट करें, जल्दी। येलो पेजेस मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी। सो टेलीफोन डायरेक्टरी प्रिंट करने का प्रपोजल था, तो देर आर थ्री कम आई थिंक फोर कंपनीज वर देयर, जिन्होंने मिलके एक जॉइंट वेंचर कंपनी क्रिएट किया एंड दे मेड एन एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन इनिशियली बींग रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड कि एप्लीकेंट के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो एडिक्वेट एक्सपीरियंस चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो नहीं है। मैटर बींग टेकन टू द कोर्ट, तो कोर्ट ने ये बोला कि इवन दो उस कंपनी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिन्होंने वो कंपनी खोली है, दे हैव अ टेक्निकल स्किल ऑल्सो, दे हैव अ मार्केटिंग स्किल ऑल्सो, दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड बिकॉज दे आर नॉट ओनली द शेयर होल्डर बट ऑल्सो अ ज्वाइंट वेंचर, विच मीन दैट दे आर विल बी ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। देखो, आज अगर मेरे पास लीगल नॉलेज है और अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर बन गया, तो क्या रिलायंस के पास भी लीगल नॉलेज पहुंच गई? नहीं। रिलायंस का मैनेजमेंट कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्या मैं रिलायंस के बोर्ड पे हूँ? नहीं है। लेकिन अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर भी हूँ और रिलायंस के बोर्ड पे भी हूँ, तो रिलायंस के पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। सो द एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर इज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर। हो गया, परफेक्ट। परपेचुअल सक्सेशन, एक पॉइंट लिखो। परपेचुअल बोलू इसमें लिखे द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी बोलू द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट डिपेंड अपॉन द मेंबर्स, या इज नॉट डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंबर्स फॉर्मिंग सच कंपनी। मेंबर्स फॉर्मिंग सच कंपनी, क्लियर? फॉर्मिंग सच कंपनी, आई थिंक काफी है। चलो, तीसरा है सेपरेट प्रॉपर्टी। दो पॉइंट याद रखना इसमें। बोलू वहां लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी
द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड नॉट ऑफ द मेंबर्स एंड नॉट ऑफ द मेंबर्स फॉर्मिंग सच कंपनी. मतलब समझा, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, उसके मेंबर्स की नहीं है. सेकेंड पॉइंट, बोलू सेकेंड पॉइंट, द मेंबर शैल नॉट हैव, द मेंबर शैल नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट शैल नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. मतलब समझा, मेंबर्स के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता. यहां तक वो डाउट. चलो अब देखो, अच्छा ये जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये बस वो बुलेट पॉइंट्स है जो आपको मिनिमम याद रखने के हैं. इसके अलावा बाकी सब प्रिंटेड नोट में दिया हुआ है, इतना आपको मिनिमम याद रखना है. तो व्हेन यू आर मेकिंग आंसर यू कैन ऑलवेज फ्रेम द आंसर कंटेनिंग दीज पॉइंट्स मिनिमम. समझा? अब देखिए, एंड आई बिलीव आपको पता है कि इस पेपर में आपको आंसर लिखने हैं, ये एमसीक्यू नहीं है. क्लियर? अब देखो फोर्थ क्या बोलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी. देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मेंबर्स की लाइबिलिटी. देखो अगर मैं पार्टनरशिप फर्म देखूं, अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप देखूं, अगर मैं एक एचयूएफ देखूं, तो वहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है. बट यहाँ पे इन केस ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर. तो यहाँ पे इसमें एक पॉइंट है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर. अब देखो पांचवा है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है और उसको किसी भी मेंबर या डायरेक्टर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, दैट कंपनी बींग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैन ऑलवेज एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम एंड नीड नॉट टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ द मेंबर और डायरेक्टर. मतलब कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, कोई स्टैचुटरी एप्लीकेशन कर सकता है? यस. क्यों? बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. अब देखो सिक्स क्या बोलता है, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यू. इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कंपनी बींग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड देयर फोर इज कॉम्पिटेंट टू इनिशिएट एनी लीगल केस इन इट्स ओन नेम. तो कंपनी नॉट ओनली दैट, कंपनी अपने नाम पे केस फाइल कर भी सकता है और कोई और बंदा भी कंपनी के नाम पे केस फाइल कर सकता है. मतलब कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड देयरफॉर एनी पर्सन कैन फाइल लीगल केस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी या अगेंस्ट द कंपनी एज वेल एज कंपनी कैन फाइल लीगल केस ऑन एनी अदर पर्सन इन इट्स ओन नेम. समझा? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट सेज दैट वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर गेन. देखो हम लोग यहां पे, इसमें एक पॉइंट है, व्हाट इट सेज कि कंपनी है क्या, कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन जो मिल के एक काम करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं.
देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या सर्विस मोटिव के कंपनी हो सकती है, यस, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होती है कि अगर हम लोग कंपनी खोल रहे हैं तो आर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट. सो कंपनी इज नथिंग बट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर फॉर मेकिंग प्रॉफिट. समझा? नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. देखो पार्टनरशिप एक्ट में अगर मैं अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूं तो वहां पे मेरे को बाकी पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ कंपनी आपको अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो किसी का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. मतलब यू नीड नॉट टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स. इसका मतलब क्या हुआ, आज अगर मेरी कंपनी में, आज रिलायंस में 50 लाख शेयर होल्डर हैं, एंड इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसफर शेयर टू एनी अदर पर्सन, तो क्या मेरे को 50 लाख का अप्रूवल लेना पड़ेगा? नहीं, तो होने वाला ही नहीं है. इसका मतलब ये हो गया कि इन कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर. अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि प्राइवेट कंपनी में तो रिस्ट्रिक्शन होता है. यस, वी कम टू दैट व्हेन वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ऑल दैट. वहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है, बट अल्टीमेटली जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल प्रोविजन क्या है कि इन केस ऑफ कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर फ्री. यहां समझा? पक्का? अब देखो नाइन्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं. नाइन्थ पॉइंट सेज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. चलो तो यहां पे है गया, कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर, एंड मैनेजमेंट किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब पार्टनरशिप फर्म में जो ओनर है वही मैनेजर है, एचयूएफ में जो ओनर है वही मैनेजर है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है वही मैनेजर है, बट कंपनी में मैनेजमेंट इज डिफरेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट. डन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन. देखो कंपनी कैन डू ओनली दोज एट विच इज मेंशन इन इट्स एमओए. मतलब कंपनी सिर्फ वो काम कर सकता है जो उसके एमओए में दिया है, और एंड अगर कंपनी ने ऐसा कोई भी काम किया जो उसके एमओए में नहीं दिया है, देन दैट एक्ट विल बी कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन. ये वर्ड सुना है, बियॉन्ड द पावर. सो दैट एक्ट विल बी कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन एंड इट शेल बी वॉइड. तो जितने भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज द कंपनी हैव डन एनीथिंग विच इज बियॉन्ड इट्स पावर. तो कंपनी सिर्फ वो काम कर सकता है जो उसके एमओए में दिया है, एंड एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड इट्स एमओए शेल बी वॉइड, या शेल बी अल्ट्रा वायरस नेचर एंड शेल बी वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय 100% शेयर होल्डर. मतलब 100% शेयर होल्डर भी मिल के उस ट्रांजेक्शन को रेटिफाई नहीं कर सकते. समझा? नेक्स्ट पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. देखो कंपनी जो है वो एक एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो अगर कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो कंपनी का वाइंडिंग अप भी लीगल प्रोसीजर से होगा. मतलब आज से फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक सोल प्रोप्राइटरशिप चालू किया, मैंने एक दुकान ले ली और मैंने उसमें कोई भी बिजनेस चालू किया, शटर ऊपर किया, दुकान चालू, अब मूड नहीं कर रहा, शटर बंद, दुकान क्लोज. लेकिन कंपनी में अगर मैं ऑफिस प्रीमाइसेस बंद कर दूं तो क्या कंपनी खत्म हो जाती है? नहीं, कंपनी का वाइंडिंग अप एक लीगल ड्रिवन प्रोसीजर है और उसके हिसाब से ही कंपनी का वाइंडिंग अप होता है. क्या स्टेटस है? पक्का? एक एक वर्ड समझ में आ गया? कोई डाउट? बराबर लिख लेते हैं. हाँ मतलब लाइन से बोलू, और ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है जो आप लिख रहे हैं? बिंदास यू कैन राइट इन दिस लैंग्वेज. कोई भी आपको बोले कि लॉ लॉ की लैंग्वेज लिख रहा है तो फालतू बात कर रहा है, ही डोंट नो द लॉ.
लॉ का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप सामने वाले को जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो सही तरह से जाना चाहिए। एनी बडी इन ऑल द लॉज, ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखना। आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, आप रट्टा नहीं मार सकते, 800 पेज आप याद नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी में लिखिए, बोलूं वहां लिखिए द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब समझा कि कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। क्लियर? व्हाट इज अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर? 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए पे कर दिया तो लाइबिलिटी कितनी? अच्छा, कंपनी प्रॉफिट में तो लाइबिलिटी कितनी? 4। और कंपनी लॉस में तो लाइबिलिटी कितनी? 4। मतलब माई लाइबिलिटी विल ऑलवेज बी लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। क्लियर? देन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, समझ रहे हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट देखिए, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैन ऑलवेज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन ऑलवेज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम कैन ऑलवेज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम एंड एंड नीड नॉट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नीड नॉट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ इट्स मेंबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन द नेम ऑफ इट्स मेंबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ये पहला चैप्टर है तो इसमें मैं समझाता जाऊंगा, लिखाता जाऊंगा। एक बार जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, लिखवाने का काम थोड़ा कम कर देंगे या ऐसे ही चलाऊं ऐसे ऐसे से। चलो नेक्स्ट, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, ये समझा? अब लिखो, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैन बी सूड एंड बी सूड कैन बी सूड एंड कैन सू, हाँ एंड कैन सू। अरे भाई, मैं कोई नोट्स लेके नहीं पढ़ाता हूँ, ऑल इन द थॉट, ठीक है। कैन
कैन बी स्यू एंड कैन स्यू इन इट्स ओन नेम इन इट्स ओन नेम एंड नॉट इन द नेम ऑफ इट्स एंड नॉट इन द नेम ऑफ इट्स मेंबर और डायरेक्टर. अरे क्लियर. अब देखो नेक्स्ट क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट या वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर गेन. एक केस हटा दूं ये वाला, बोलूं बोलूं. तो लिखिए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ कंपनी द एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन मतलब एक जैसे सोचने वाले लोग. कंपनी एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन हु ज्वाइन टूगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी लगा टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन. अरे क्लियर डन. नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोलू. अब देखो इसमें को इन कंपनी द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन कंपनी द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर फ्री and not required to obtain या not subject to the approval. एक ही बात है, not required to obtain the consent of board of director or other member. देखो ट्रांसफर करने के लिए बोर्ड का अप्रूवल नहीं चाहिए, हाँ ट्रांसफर को रिकॉर्ड करने के लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए और मेंबर्स. आर यू क्लियर. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्लियर. इसमें लिखो इन कंपनी
द ओनरशिप वेस्ट विद द ओनरशिप वेस्ट विद द वेस्ट VEST ठीक है, वेस्ट विद द मेंबर द ओनरशिप W मारा ना द ओनरशिप वेस्ट विद द मेंबर बट द मैनेजमेंट राइट, बट द मैनेजमेंट राइट, मैनेजमेंट राइट वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे क्लियर पक्का? एकदम क्लियर? हो गया। देन लिमिटेशन ऑफ एक्शन, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, लिमिटेशन, अरे लिमिटेशन ऑफ एक्शन इसमें लिखिए, लिमिटेशन बोलो, अ कंपनी कैन डू ओनली दोज एक्ट, बोल भाई, अ कंपनी कैन डू ओनली दोज एक्ट अ कंपनी कैन डू ओनली दोज एक्ट विच इज मेंशन इन इट्स एमओए, विच इज मेंशन इन इट्स एमओए, एमओए बोले तो, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, इफ एनी एक्ट बींग डन बाय कंपनी, इफ एनी एक्ट बींग डन बाय कंपनी, सेकेंड पॉइंट, इफ एनी एक्ट बींग डन बाय कंपनी विच इज बियॉन्ड इट्स एमओए, विच इज बियॉन्ड इट्स एमओए, then such act shall be called as, then such act shall be called as ultra vires transaction, ultra vires transaction ultravires, ultra-vires transaction and shall be void and cannot be ratified, shall be void and cannot be ratified, ratified RATIFIED cannot be ratified by 100% shareholders. हो गया पक्का? हेलो लास्ट क्या था? टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, बोलूं टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, इसने को अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बीइंग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड कैन बी टर्मिनेटेड एंड कैन बी टर्मिनेटेड ओनली कैन बी टर्मिनेटेड ओनली बाय कंप्लाइंग विद द ओनली बाय कंप्लाइंग विद द कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या लीगल प्रोविजन, एक ही बात है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. अरे क्लियर, पक्का? कैन आई प्रिज्यूम कि समझ में आ गया? चलिए, नाउ वी मूव टू सेकेंड पार्ट. एज आई सेड, चैप्टर के चार पार्ट हैं, एक पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट पे आइए. सेकेंड पार्ट में तीन चीजें हैं कि क्या कंपनी एक पर्सन है, क्या कंपनी के पास नेशनलिटी या रेसिडेंस होता है, एंड तीसरा क्या कंपनी एक सिटीजन है. नो, देखो अब चीज समझो. वेदर कंपनी इज अ पर्सन, यस. देखो पर्सन का मतलब इज नॉट ऑलवेज नेचुरल पर्सन. सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विच एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ द लॉ. तो कंपनी जो है ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ. अब क्वेश्चन ये है कि सीपीसी में रेड विद लिमिटेशन एक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉपर. तो पॉपर पुअर पर्सन, तो कैन आई से कंपनी और कैन अ कंपनी बी अ पॉपर? यस, बिकॉज सीपीसी ओनली सेज पुअर पर्सन. उसमें ये तो है ना बोला कि पुअर इंडिविजुअल पर्सन. सो कंपनी कैन ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड एज पॉपर. तो यहाँ पे दैट्स द सेकेंड पॉइंट. अब इसमें दो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, उसका नाम है गो टू दैट केस, गो टू पेज नंबर 5 पे आइए. वहां पे केस का नाम दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खेदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन अदर. मिला, रीड दिस वन. ठीक है, रीड करिए. अभी का अभी रीड, अभी समझाता हूं. नोट अगेन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खेदर इंटरनेशनल बैंक. मिला, ये कि इस केस में पूछा गया था कि क्या कंपनी पॉपर बन सकता है, एंड सब्सिक्वेंटली क्या कंक्लूजन आया कि यस कंपनी कैन बी डिक्लेयर्ड एज पॉपर, बिकॉज पॉपर का मतलब होता है पुअर पर्सन, एंड लॉ में पर्सन कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन एंड पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन. हो गया. सो दो पॉइंट याद रखना, पहला वेदर कंपनी इज अ पर्सन, यस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having existence in the eyes of law. Second, since company being a artificial legal person and it can be declared as pauper, bracket mein poor person. Case ka naam Union Bank of India versus Khedar International Construction and other. Ruk jo abhi likhna nahi, bas samjho. Ab aate hain, kya company ke paas nationality or residence hota hai? Yes. देखो कंपनी हैव नेशनलिटी रेसिडेंस एंड डोमेसाइल, और ये किस पे डिपेंड होता है? द नेशनलिटी ऑफ द कंपनी इज डिपेंड अपॉन इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. वो कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसका नाम है तुलिका वर्सेस पेरी. ठीक है, कम टू पेज नंबर 6 पे आइए. पहुंचे पेज नंबर,
देखो आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल, लेकिन वो सिंपल तब तक नहीं होगा जब तक तो आप समझोगे नहीं। तो समझ में आ रहा है? कम टू पेज नंबर 6, लास्ट वन। पेज नंबर 6 पे आओ, वहां पे केस दिया है तुलिका वर्सेस पेरी। मिला जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है उनका पेज नंबर 26 में दिया है, और जिनके पास न्यू टेक्स्ट बुक है उनका पेज नंबर 6 पे दिया है। आपके क्लास ना, अब देखो वहां पे तुलिका वर्सेस पेरी में क्या बोला गया था कि कंपनी का नेशनलिटी, कंपनी का डोमेसाइल कहाँ से मालूम पड़ता है, इज अपॉन द प्लेस ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और वेयर द कंट्रोल लाइज। व्हाट दे आर सेइंग, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसाइड्स वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज वेयर द मीटिंग ऑफ द होल कंपनी और दोज हु रिप्रेजेंट इट आर हेल्ड एंड वेयर इज गवर्निंग बॉडी मीट इन द बॉडीली प्रेजेंस फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी एंड एक्सरसाइज द पावर कंफर्ड अपॉइंट बाय द स्टैट्यू और बाय द आर्टिकल एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का नेशनलिटी, कंपनी का रेसिडेंस किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन वेयर इट्स मीटिंग्स आर बेसिकली बीइंग कंडक्टेड। क्लियर? तो इसका मतलब कंपनी के पास नेशनलिटी होता है, रेसिडेंस डोमेसाइल है। अब आते हैं वेदर कंपनी है सिटीजनशिप नो, इस याद ना, ओनली इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन कैन बी अ सिटीजन एंड नॉट द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये कहाँ लिखा हुआ है? नॉट दिस हैज बीन रिटन अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 रेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट सेज दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी अ सिटीजन एंड नॉट द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेकेंड थिंग, सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड देयरफॉर इट डज नॉट हैव अ सिटीजनशिप। मतलब कंपनी सिटीजन नहीं है और वो सिटीजन्स के राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड पॉइंट, देयर आर टू इंपॉर्टेंट जजमेंट, वन इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड व्हिच इज नथिंग बट टाइम्स ऑफ इंडिया। बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम मालूम है ना आपका? टाइम्स का पेपर आता है तो उसमें लिखा होगा बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड। सो बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट्स वन केस। एंड आरसी कूपर मिला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट्स सेकेंड केस। इन दोनों केस में क्या कंक्लूजन आया था? कंक्लूजन ये आया था कि कंपनी सिटीजन नहीं है और कंपनी सिटीजन्स के राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे कैन बी अ सिटीजन एंड दे कैन एक्सरसाइज द राइट। इसका मतलब, लेकिन कंपनी के बिहाफ में नहीं, फॉर देयर ओन बिहाफ। इसका मतलब कंपनी वोट नहीं कर सकता बिकॉज सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट होता है, बट द क्वेश्चन राइज कि क्या सिटीजन जो उस कंपनी के मेंबर है वो वोट देने जा सकते हैं? यस, क्यों नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं ना। आज मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं और मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, मैं कंपनी का मेंबर हूं, तो क्या मैं स्टेट इलेक्शन या इन सब में जो जो राइट सिटीजन्स को मिले क्या मैं उसको एंजॉय एक्सरसाइज कर सकता हूँ? यस, दैट्स द पॉइंट। समझा? हो गया, फटाफट करिए, चालू करिए। अब इसको आप एक साथ लिखो या अलग अलग करके लिखो? वेदर कंपनी द पर्सन उसके 2 पॉइंट लिख लो, फिर कंपनी द सिटीजन 2 पॉइंट, अलग अलग योर चॉइस। वी हैव 1 आवर आई बिलीव मोर, हाफ एन आवर ही है, तो जल्दी करते हैं। पहला, वेदर कंपनी इज अ पर्सन, बोलो। बोलो उसमें
वैसा कंपनी द पर्सन में लिखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ एंड हैविंग एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ Having existence in the eyes of law. Clear? Second point. इसी का. Second point. Since company is an artificial legal person, since company is an artificial legal person, and therefore. And therefore, can be declared as pauper. Can be declared as pauper. Pauper in the bracket means poor person. Case ka naam likh dena. Union Bank of India. इसका नाम लिख दो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खेदर इंटरनेशनल. अरे केस का नाम दिया है ना फिफ्थ पेज पे, KHADER खेदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स. कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स हो गया डन. अब वेदर कंपनी हैव नेशनलिटी ऑब्लिक रेसिडेंस. ये हो गया. अब यहां पे आइए. वेदर कंपनी हैव नेशनलिटी ऑब्लिक रेसिडेंस बोलो. इसमें लिखो कंपनी हैव नेशनलिटी ऑब्लिक रेसिडेंस नेशनलिटी ऑब्लिक रेसिडेंस ऑब्लिक डोमेसाइल एंड इट डिपेंड अपॉन एंड इट डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. हो गया. केस का नाम लिख देना तुलिका वर्सेस पेरी. तुलिका TULIKA पेरी. हाँ पेरी PARRY पेरी एंड कंपनी.
अरे क्लियर पक्का? अब लास्ट साइड आते हैं। वेदर कंपनी है सिटीजनशिप। एज पर सिटीजनशिप एक्ट, एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, रेड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेड विद, अरे रीड 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 को रेड बोलते हैं, पता है ना? रीड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुम लोग के चक्कर में मेरी इंग्लिश खराब हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओनली अ नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन, अ नेचुरल पर्सन कैन बी अ सिटीजन, कैन बी अ सिटीजन, सिटीजन एंड नॉट द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एंड नॉट द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये समझा? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सिंस कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, सिंस कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, इज नॉट अ सिटीजन एंड देयरफॉर, एंड देयरफॉर कैन नॉट एक्सरसाइज एनी राइट, कैन नॉट एक्सरसाइज एनी राइट विच इज अवेलेबल, विच इज अवेलेबल टू द, अवेलेबल टू द सिटीजन्स। ये समझा? लास्ट पॉइंट, हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कैन बी द, कैन बी द सिटीजन, कैन बी द सिटीजन एंड कैन एक्सरसाइज दोज राइट्स, एंड कैन एक्सरसाइज दोज राइट्स विच इज अवेलेबल विद द सिटीजन्स। कुछ समझा? विच इज अवेलेबल विद द सिटीजन्स। दो इंपॉर्टेंट केस का नाम है, पहला बीसीसीएल, बीसीसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बीसीसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा आरसी कूपर, अच्छा बीसीसीएल मतलब बेनेट कोलमैन कंपनी लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा आरसी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अरे क्लियर? चलो तो सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट।
एक रीडिंग मारना बस शुरू। चालू करें? देखिए, समझ में आ रहा है पूरा? कोई डाउट इधर? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। यो, वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड इलीगल एसोसिएशन। चलो करें। देखिए, पेज नंबर 20 पे चले जाइए। देखो, इलीगल एसोसिएशन जो है ना, देखो पूरा टॉपिक जो है ना, और ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आउट ऑफ फोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पांच पांच हैं, इन एक पार्ट में पढ़ाना कम पड़ता है। इसमें बेसिकली पार्टनरशिप ऑफ कंपनी के बीच डिफरेंस है, तो उसे समझाना पड़ता है। उसमें नोटिंग कुछ नहीं होती। तो पांच पांच में दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। इलीगल एसोसिएशन है क्या? देखो, दैट इज बीइंग गिवन अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ व्हाट इट सेज दैट देखो, पैसे ऐसे समझो, अगर मान लो आज एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जॉइंटली कैरी आउट एनी बिजनेस फॉर गेन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहला, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि जॉइंटली दे आर कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन, मतलब सर्विस मोटिव से बात नहीं हो रही है, प्रॉफिट मोटिव के लिए अगर वो लोग कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, तो दो बातें होंगी उसमें। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? सो इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर अप टू 100, और इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर बियॉन्ड 100। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 100 हैं, देन दे कैन बी कॉल्ड एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर नंबर ऑफ मेंबर बियॉन्ड 100 हैं, तो इसमें दो बातें होंगी, या तो वो जो एंटिटी है, वो जो एसोसिएशन है, वो कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड होगा, या तो कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है, तो उसको हम लोग कंपनी बोलेंगे, और अगर कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। इसका मतलब, व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 100 एंड नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी, देन इट इज कॉल्ड इलीगल एसोसिएशन। अभी जब आप ये एक्ट पढ़ोगे ना, जब सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग अभी, तो उसमें ना एक बार 100 भी दिया और 50 भी दिया। मतलब अगर मैं रूल्स देखता हूँ, तो वहां 50 दिया है और सेक्शन में 100 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि करेंटली द नंबर इज 50, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100। मतलब मैक्सिमम मेंबर अप टू 100 इज अलाउड, बट मैक्सिमम मेंबर बियॉन्ड 100 इज नॉट अलाउड इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो अभी करेंटली 50 है, बट द यू कैन परमिट। से फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोगों ने मिलके कोई काम चालू किया और 50 से ऊपर हो रहे हैं, और अपने को कंपनी के फॉर्म में नहीं जाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके मैं ये 50 से अपना एक्सटेंशन कहाँ तक करा सकता हूँ? 100 तक। बट अगर 100 हो गए हैं और मेरे को कंपनी नहीं खोलना है, तो फिर वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। ये समझा? सेकेंड पॉइंट, इलीगल एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब जो इलीगल एसोसिएशन है, वो कोर्ट के नजर में, लॉ के नजर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इलीगल एसोसिएशन न तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, न इलीगल एसोसिएशन को कोर्ट वाइंड अप कर सकता है, न इलीगल एसोसिएशन किसी पे केस फाइल कर सकता है, और न कोई और बंदा इलीगल एसोसिएशन पे केस फाइल कर सकता है। मतलब इलीगल एसोसिएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। तो इलीगल एसोसिएशन कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता। ओके, तो क्वेश्चन राइज, वेदर इलीगल एसोसिएशन इज समथिंग विच इज डूइंग इलीगल बिजनेस? नो, यू आर डूइंग अ नॉर्मल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने मिल के टूडे वी आर मोर देन 100। अगर हम सब ने मिल के आज एक बिजनेस चालू किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 100, इवन दो वी आर डूइंग गारमेंट्स बिजनेस, द ऑब्जेक्ट व्हाट वी आर डूइंग इज लीगल,
बट बिकॉज द नंबर्स आर मोर देन 100 वी विल बी कॉल्ड एज अ इलीगल एसोसिएशन. ये समझा. तीसरा, लेकिन आपको कोर्ट के हिसाब से यू आर नॉट एग्जिस्टिंग तो कोई भी लीगल राइट नहीं मिलेगा आपको, बट द इनकम ऑफ इलीगल एसोसिएशन इज टैक्सेबल. देखो, आप जब कोर्ट के पास जाते हो राइट मांगने के लिए, कोर्ट बोलता है भाई दिख नहीं रहे हो, कहां हो, लेकिन इनकम टैक्स वाले को आप बराबर दिखते हो और इनकम टैक्स आपके ऊपर इनकम पे टैक्स चार्ज करेगा. इसका मतलब इनकम ऑफ इलीगल एसोसिएशन इज टैक्सेबल. ये समझा. दैट्स थर्ड पॉइंट. चौथा पॉइंट, पांच पॉइंट कॉन्सेप्ट है. फोर्थ पॉइंट, लेकिन ये जो प्रोविजन है ना, इसमें कुछ एंटिटीज को एग्जम्पशन दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, एक HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अब मेरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हम लोग मिलकर बिजनेस चालू कर रहे हैं, वी हैव बीन एज अ HUF हमने क्रिएट किया खुद को, तो मेरी फैमिली में कितने बंदे होंगे ये मैं डिसाइड करूंगा, ये लॉ नहीं डिसाइड करेगा. समझ रहे हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रंस आई एम गोइंग टू हैव, लॉ कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट मी, इट्स माय इनहेरिटेंट राइट एंड एबिलिटी, तो आई विल डिसाइड. हाउ कैन लॉ डिसाइड. समझ रहे हैं. तो ये आप HUF में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 100 से ऊपर हो गए, क्या HUF में 100 से ऊपर मेंबर हो सकते हैं? अरे किसी भी मारवाड़ी फैमिली को HUF बना दो, ऑटोमेटिकली 100 मेंबर ऊपर हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, मारवाड़ी का नाम खराब कर रहा हूं. नहीं, क्या ऐसे ही होता है. हाँ, 100%. मैंने बताया था ना उसका रीजन भी, क्या राजस्थान में हम लोग के पास कुछ काम वाम था नहीं, ठीक है, और पैसा काफी था तो करें क्या, और टीवी भी नहीं था तो एंटरटेनमेंट कैसे करें. तो पूरा राजस्थान एल्पेनलीबे का किसी भी एक ही काम करता था, ठीक है. अब आप लोगों को बताया था ना, तो मेरी फैमिली हिस्ट्री, मेरी जो बड़ी बुआ पापा से 18 साल बड़ी है, नॉलेज मेरी फैमिली ट्री जो है ना, उसको आप दुनिया की बेस्ट ऑफ द मर्जर डील समझ सकते हो, सबसे बड़े रीस्ट्रक्चरिंग डील समझ सकते हो, मेरी फैमिली चार्ट को समझना इज वेरी डिफिकल्ट. मेरी जो, तुम लोग तो क्या अपने ही हो फैमिली को, मेरी जो, ये बाहर जाने नहीं चाहिए, ठीक है. मेरी जो सबसे बड़ी वाली बुआ है ना, वो राजस्थान में रहती हैं, वो मेरे पापा से 18 साल बड़ी हैं, ठीक है. और उनकी जो, उनकी शादी हुई थी 15 ईयर्स में और 1 साल के बाद उनको डॉटर हुई थी, तो उनकी जो बेटी है वो मेरे पापा से 2 साल बड़ी है. नहीं समझा, समझा. मजा यहाँ नहीं है, मजा इसके बाद है. मजा ये है कि मेरे पापा ने शादी की 29 में और 5 साल के बाद मैं आया, ठीक है. तो मतलब जब पापा 34 के थे तो मैं आया. और यहाँ पे जो मेरी सिस्टर यहाँ पे जो है, दैट इंदु दीदी कलकत्ता में रहती हैं, वो जब उनकी 16 इयर्स की एज थी तो उनकी शादी कर दी गई और 2 साल के बाद उनको बच्चा हो गया, ठीक है. मतलब, अरे अब सुनो ये, अभी अगेन मजे की बात सुना अगेन. मतलब ये पापा से 2 साल बड़ी है, ठीक है, और जब ये 16+2 18 हुआ, मतलब ये बन, यहां पे पापा मेरे 16 साल के थे. मैं बोला ना, दुनिया की लार्जेस्ट मर्जर डील समझ सकते हैं आप लोग, मेरी फैमिली का अरेंजमेंट नहीं समझ पाओगे. मेरे पापा 16 साल के थे तो ये बंदा हुआ. तो यहाँ पे अब मैं आया 34 में, मतलब मैं 18 इयर्स के बाद आया, और इनकी जब ये 22 साल का था उसकी शादी कर दी गई और 1 साल के बाद इसको बच्चा हो गया. तो यहाँ पे जो, जहां पे जो लड़का है केशु जो भी आया हुआ है, वो मेरा क्या लगेगा, वो मेरा क्या लगेगा, ही इज माई ग्रैंड सन. नहीं समझा. अरे मेरा पोता है ना वो, क्योंकि यहां पे अगर रिलेशन देखो तो ये मेरी सिस्टर हैं, तो उनका बेटा मेरा भतीजा और उनका बेटा मेरा पोता, जिसमें एज गैप सिर्फ 2 साल का है हम दोनों में. समझा. तो पहले राजस्थान में काम हम नहीं था, अब समझा. सोचो 18 साल के बाद भी लगे हुए, ठीक है. यहां चला एक में एकदम निकल जाता हम लोग का, ठीक है. द पॉइंट इज दैट कि अगर एकदम रियल नंबर नहीं है, ठीक है, आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है, वेरी लेजी फैमिली, लेसर नाउ, ठीक है.
वी आर ठीक है. द पॉइंट इज दैट मेरी एचयूएफ में, तो बस मेरी एचयूएफ में सब इधर ही देख रहे, अरे इधर देखो भाई ठीक है. मेरी एचयूएफ में कितने मेंबर्स होंगे ये मैं डिसाइड करूंगा, दुनिया का कोई लॉ मेरे को बता नहीं सकता ठीक है. सेकेंड थिंग, आज ये जितने भी फोर्स हैं, जितने भी सीए फॉर्म्स एंड ऑल दैट हैं, कैन दे हैव मोर देन 100 पार्टनर्स? यस, आज डेलॉइट में दे हैव 133 पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया. सो कैन आई से डेलॉइट इज अ इलीगल एसोसिएशन? नो, बिकॉज अगर आप एक प्रोफेशनल फर्म हो, आप एक सीए फर्म हो, सीएस फर्म हो, एंड यू हैव बीन गवर्न्ड एज पर योर लॉ. सीए का अपना एक्ट है, सीएस का अपना एक्ट है. तो इफ देयर अ पर्टिकुलर एसोसिएशन, अ पर्टिकुलर फर्म विच इज गवर्न्ड एज पर देयर लॉ, तो सेक्शन 464 देखने की जरूरत नहीं है. ये समझा? दैट वाज द फोर्थ पॉइंट. एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट सेज कि अगर एक इलीगल एसोसिएशन क्रिएट हुआ, तो मान लो हम सब ने मिलके एक इलीगल एसोसिएशन क्रिएट किया, तो उस इलीगल एसोसिएशन की जो भी लायबिलिटी होगी ना, वो हम सब में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगी, एंड इट विल बिकम आवर पर्सनल लायबिलिटी. सो व्हाट शैल बी द लायबिलिटी ऑफ द इलीगल मेंबर ऑफ इलीगल एसोसिएशन? पहला, एंटायर लायबिलिटी ऑफ सच एसोसिएशन, प्लस हम सब के ऊपर फाइन भी लगेगा. Because we have created an illegal association, which means that we have not complied with the requirement of law. So illegal association ki jo liability hai, wo members ki personal liability hai. Plus each member shall be subject to the fine of rupees 1 lakh. Samjha? To agar maan lo illegal association mein 20 crore ki penalty hai, to 20 crore ki penalty hum 100 mein divide ho gaya ya 200 mein divide ho gaya, to 200 mein agar 100 crore ki penalty hai, to wo to hamari liability hai hi. प्लस हमें लाख रुपया भी पेमेंट करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी. पक्का एकदम क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड इलीगल एसोसिएशन. चालू करें? चलिए, लिखना नहीं क्या ये? चलो करें. ओके, देखिए, इफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अच्छा एओपी समझता है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओए मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. इफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल carrying out any business activity for gain and number of so if an association of person or body of individual carrying out any business activity for gain and the number of member in such association of person or body of individual samajh rahe hai na, is up to 100 members. Do hi case honge na, ya to up to 100 members hain या इज बियॉन्ड 100 मेंबर. इफ इट इज अप टू 100 मेंबर और इट इज बियॉन्ड 100 मेंबर, अब बियॉन्ड 100 मेंबर है एंड इट इज एंड सच एसोसिएशन देखो, इफ इट इज अप टू 100 मेंबर देन इट इज, तो सच एसोसिएशन
या सच एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज अलाउड एंड इफ इट इज बियॉन्ड 100 मेंबर्स देन सच एसोसिएशन रजिस्टर्ड एज अ कंपनी देन इट शैल बी कॉल्ड एज अगर वो कंपनी में रजिस्टर्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे कंपनी एंड इफ इट इज सच एसोसिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी देन इट शैल बी कॉल्ड एज क्या हो गया ये समझा कुछ पूछूं लिख लिया जल्दी लिखिए हाँ सॉरी सॉरी नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी बोलूं कैन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कंपनी लॉ के तो इतना पढ़ के आएंगे पक्का चलो तो मैं मार्किंग करा देता हूँ आपको एग्जैक्टली एक रीडिंग करना बाकी जो क्लास में किया समझाया ना पूरा चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन रेस्ट टू डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर वन क्वेश्चन हम लोग मान लो सब के सब ना एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर हैं ध्यान सुनना ठीक है हम लोग सब के सब एक इस्कॉन ट्रस्ट के फॉलोअर हैं हम लोग सब के सब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर हैं और हम लोग ने सब ने मिल के एक रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाया विच इज हम सब ने मिलके एक रिलीजियस डिनोमिनेशन बनाया विच इज एंड वी आर मोर देन 100 मेंबर सो कैन वी कैन आर एसोसिएशन बी कॉल्ड द इलीगल एसोसिएशन क्यों बिकॉज करेक्ट वी आर नॉट कैरिंग आउट वहां पे क्या लिखा है कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी फॉर गेन अच्छा हम लोगों ने बिजनेस एक्टिविटी के लिए कंपनी खोला एसोसिएशन खोला लेकिन लॉस हो रहा है तो क्या गेन विल इंक्लूड लॉस यस मतलब सिंपल फंडा अगर मैं बिजनेस एक्टिविटी के लिए खोल रहा हूं तो एन 100 से ऊपर है देन आई विल बी कॉल्ड एज अ इलीगल एसोसिएशन इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड एज कंपनी पक्का निकालिए मॉड्यूल तो पढ़ना नहीं है क्या काय के लिए मतलब निकालो मॉड्यूल जितना बोल रहा हूं उतना एक रीडिंग लगा लेना बस ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना चलिए कम टू पेज नंबर देखें मीनिंग एंड डेफिनेशन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्लास कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी सोलोमन ली वर्स ली ए फार्मिंग पास मार करो न्यू हॉरिजॉन्स देन अरे भाई पूरा पेज ही है कंपनी द आर्टिफिशियल पर्सन यूनियन बैंक कंपनी अ सिटीजन आरसी कूपर पूरा पूरा बेनिट कोलमैन कंपनी नेचर तुलिका लिमिटेड लायबिलिटी एक्सेप्शन कैंसिल एक्सेप्शन कैंसिल कैंसिल जो बोल रहा हूँ उसको रीड कर लेना कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है वन कुछ नहीं पढ़ना कैंसिल कर दो उसको परपेचुअल सक्सेशन रीड करना है क्या हो गया हाँ कैंसिल कर दो बोल रहा हूँ ना चलिए ना नेक्स्ट क्या लिखा है
सेपरेट प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, कैपेसिटी टू सू, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, लिमिटेशन, सेपरेट वॉलंटरी टर्मिनेशन, क्लियर। उसके बाद नाउ कम टू इलीगल एसोसिएशन, पेज नंबर 20। बस इतना रीड करके आ पाएंगे आप लोग, और मेन जो क्लास में पढ़ा है वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।